शेख मैं इंजीनियर हूँ। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ शेख शेख। लेकिन जो मेरी सैलरी है उससे ज़्यादा मेरे मेरे नीड्स भी है, ज़रूरत भी है। तो और हमारी पूरी 12 घंटे की शिफ्ट रहती है शेख। तो मतलब वन एक जॉब से सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते। तो मेरा इरादा था कि मैं कुछ पार्ट टाइम करूँ। तो ऑलरेडी मैंने 12 घंटा मैं जॉब पे दे रहा हूँ। तो और जी मतलब ऑनलाइन नहीं हो गया, शेयर मार्केट वगैरह में शेख इन्वेस्ट करने के लिए, उसके लिए तो और टिप्स वगैरह, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। एक्चुअली इसमें मैं बहुत सारी चीजें देखा था कि 33% ये होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, होना चाहिए। तो शरजीत के हिसाब से उसमें आपकी थोड़ी रहनुमाई चाहिए थी। बारकल्लाह फिक। जी देखिए, सबसे पहले शेयर मार्केट पे इंशाल्लाह एक लॉन्ग ओवरड्यू है, लेकिन मेरी वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी इंशाल्लाह। मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया था और मैं उसके डिटेल्स में अब नहीं जा रहा हूँ। मुख्तसर में जो हलाल शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स हो, जो सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, ऐसे लिमिटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट खुद फी नफसी ही हराम नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ हराम चीजें हो, चाहे हराम प्रोडक्ट्स हो या डीलिंग्स हराम हो या फंडिंग हराम हो, तो इस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शंस है। इनकम हराम हो तो इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस है। उससे बच बचाकर एक इंसान सही शरिया कंप्लायंट स्टॉक सिलेक्ट करके उसके अंदर डीलिंग्स कर सकता है। और उसके बहुत सारी चीजें हैं, मैं कुछ एप्स के साथ इंशाल्लाह ये वीडियो में बताऊंगा। होपफुली अगले बार में जब यहाँ बैठूंगा स्ट्रीम में, होपफुली वो वीडियो निकल चुकी हो, अल्लाह से उम्मीद है। ठीक है, सेकेंड चीज, जहां तक ये आपने कहा कि आप क्या करें, तो सिर्फ शेयर मार्केट एक ही ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, अभी यहां पर आप अपने एक पहले तो लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं ब्रदर, जैसे आपने एक बात कहा ना कि आपकी नीड्स उससे ज्यादा है, जितना आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा है। एक चंद दिन पहले की बात है कि मुझे एक भाई ने कहा कि भाई मैं कमा रहा हूं 20,000, और मेरे हम दो हमारे दो हैं, और अगर और बच्चे होंगे तो उतना तो मैं कमाता ही नहीं हूं। तो मैंने कहा कि रिस्क का मालिक अल्लाह है, और रिस्क जो अल्लाह ताला देता है, कुछ चीजें सामने दिखती है और कुछ चीजें होती है जो नहीं दिखती है। जैसे जो आने वाला नया बच्चा है, मैंने उनको कहा था, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। मैंने कहा आने वाला बच्चा जो आएगा वो अपना रिस्क लेकर आएगा, लेकिन कुछ चीजें होती है कि एक इंसान का रिस्क बढ़ रहा है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें दिखती भी है। कि मिसाल के तौर पर अब उसको मालूम था कि हम दो हमारे दो, 20,000 में हमारा खर्चा चल रहा है, अब जब तीन हो जाएंगे हमारे तीन, तो एक होता है एट द बैक ऑफ हिज माइंड उसको पता है कि अब मुझे 25 चाहिए, तो वो प्लानिंग भी 25 की करेगा, 25 के हिसाब से कदम आगे बढ़ाएगा, और फिर उसके 25 का रिस्क मिलने का चांस बेटर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि अल्लाह ताला रिस्क का मालिक है, देने वाला अल्लाह है, लेकिन हम ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट को बांधने भी सिखाया, और ये भी कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, इहरिस अला मा यनफउ का, देखो किस चीज में तुम्हारे लिए फायदा है। तो मतलब वो विजन एक होता है, बड़ा करना होता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे इससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले तो इंटेंशन करो कि मुझे इतना रिस्क, हलाल रिस्क, ये इतना अमाउंट मुझे हलाल रिस्क चाहिए। अब वो हासिल करने की प्लानिंग भी वो लेवल पे करो। तो मैं आपको ये बता रहा था कि प्लानिंग का वो लेवल हो, तो एक तो फर्स्ट थिंग है इंटेंशन एंड प्लानिंग। सेकेंड थिंग, अभी जरियो में क्या करें, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। सपोज करो आप जो जॉब कर रहे हैं, तो आप दो तरीके से एक बड़ा हायर गोल तक पहुंच सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि लोग अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ देते हैं। जी फौज भाई, हैव यू फाउंड योर वॉइस? तो मैं ये कह रहा था कि मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ, मैं आपको दो तरीके के एग्जाम्पल देना यहाँ पर चाहूंगा। एक तो यह है कि एक एक किस्म के लोग जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, किसी ना किसी कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे, साइड लाइन पे उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन स्पेस में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ उन्होंने डेवलप करना शुरू करा। जॉब नहीं छोड़ी, बट हल्के 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 उन्होंने अपने आप को डेवलप वहाँ करना शुरू करा। उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट को लॉन्च करें, इंट्रोड्यूस करें अपने सोशल मार्केट में, डिजिटल मार्केट प्लेस में। और इवेंचुअली ऐसा वक्त आया 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, कि उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई आराम से, और उनके पास इतना सरप्लस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस के सर्कुलेशन में, कि आज उनके अंडर कई लोग काम कर रहे हैं। एक किस्म के लोग तो ये हो गए। दूसरे किस्म के लोग जो हैं, दूसरे टाइप के लोग जो हैं, वो इसमें के लोग हैं कि उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी, उसमें जॉब किया, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कंपनी क्या क्या चीज़ें प्रोक्योर करती है, क्या क्या चीज़ें परचेज करती है मार्केट प्लेस से। तो उन्होंने अपने आप को बाद में एज अ वेंडर भी इंट्रोड्यूस कर दिया कंपनी में, कि ठीक है साहब, आज से मैं आपको ये चीज़ें सप्लाई करूंगा, ये मेरा कैटलॉग है, आपकी परचेज प्राइस मार्केट से इतनी है, मैं आपको और सस्ते में चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, मुहैया करा दूंगा। क्योंकि वो कंपनी का पार्ट थे किसी ना किसी वक्त में, तो उनकी सोर्सिंग, उनकी अप्रोच, उनकी रेफरेंस कंपनी में उनके काम आई। आज वो कुछ उन्हीं कंपनीज के बड़े बड़े वेंडर्स हैं, और क्योंकि वो कंपनीज के बड़ा कार्टल होता है, नेटवर्क होता है, तो उसको उन लोग को उस कंपनी के नेटवर्क के जरिए और दूसरी कंपनीज भी एज अ बायर मिल गई। तो इस हिसाब से भी आप अपना जो है काम साइडलाइंस में शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, वेरी नाइस है, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि अपने रिस्क का अगर इजाफा आदमी टारगेट कर रहा है कि मुझे इतना अर्न करना है,
तो फिर एक चीज जो लोग करना छोड़ देते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ देते हैं, जो पढ़ाई का जमाना था, ये एज तक पढ़ाई की है 25-26 तक, 24-25-23, और उसके बाद में आगे पढ़ना अपग्रेड करना खत्म। तो जैसे कहावत है, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड, अगर अपडेटेड नहीं हो तो आउटडेटेड हो। तो कई बार वो चीज के अंदर कुछ टेंजेंट्स ऐसे निकलते हैं और वो टेंजेंट्स में अपने आप को अपग्रेड करना होता है। हो सकता है कोई कोर्स करना है, हो सकता है एडेक्स या कोर्सेरा या स्किल शेयर, ऐसी सब जो कोर्स की वेबसाइट्स है उसमें जाकर कहीं पर अपने आप को कोई कोर्स करना है, या कोई यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन डिग्री लेना है, हो सकता है कोई एडिशनल जाकर क्वालिफिकेशन हासिल करना है। तो एक होता है कि आदमी प्लान बनाए कोई चीज रातों रात, जैसे कुछ लोग होते हैं ना सब चीज रातों रात चाहिए और रातों रात नहीं मिलती तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो एक होता है प्लान बनाए कि चलो मैं यहां हूं आज, अब मैं अपने आप को अपग्रेड करके यहां तक ले आऊंगा, और जरूरी नहीं अपनी उसी कंपनी के बारे में आदमी सोचे। आदमी अपने आप को अपग्रेड करके अपना प्रोफाइल अपना वो बिल्ड कर रहा है, और उसके अंदर हो सकता है वो आगे और अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे बढ़ेगा, उससे हायर अपॉर्चुनिटीज की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी कहीं पे कई लोगों की सोच ऐसी होती है ना, यहां आ गया अब मेरी लाइफ जिंदगी यहीं से रिटायर होकर मैं निकलूंगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आदमी अपनी बेटर अपॉर्चुनिटीज देख सकता है। और इसके अंदर फर्दर अपने आप को किस तरह से और करें, जैसे फवाज भाई ने वो बिजनेस लाइन से कुछ चीजें बताई। तो जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई शख्स के अंदर कोई स्किल है और वो स्किल के अंदर Fiverr.com या कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट freelancer.com वगैरह जो वेबसाइट्स है, ये अपवर्क है वगैरह, जहां पे अपने फ्रीलांसिंग के अपने स्किल्स के हिसाब से एक शख्स अपना प्रोफाइल बना सकता है और उसमें कुछ फ्रीलांसिंग जॉब्स ले सकता है, काम ले सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में उसके लिए है थोड़ी डिफिकल्टी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो क्या प्लान कर रहा है, वो ये प्लान कर रहा है कि मैं जॉब से मैं एक फ्रीलांसर बन के उस तरह से काम करूंगा, उससे ज्यादा फ्रीडम भी मिलेगा, हो सकता है इनकम भी उससे बहुत ज्यादा मिलेगी। फिर फ्रीलांसिंग स्टेज उसके अंदर हो गया सक्सेसफुल, तो वो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने सोचेगा, खुद की एक प्रोफेशनल सर्विस स्टार्ट करने सोचेगा। तो इस तरह से कोई चीज की जा सकती है। और लुक अराउंड फॉर अपॉर्चुनिटीज, कभी कभार ऐसी होती है अपॉर्चुनिटीज दरवाजा नॉक कर रही होती है लेकिन एक इंसान सुन रहा नहीं होता है। तो एक इंसान देखे कि अल्लाह ताला क्या मौका मुझे दे रहा है, रिस्क का मालिक अल्लाह है। एक इंसान हलाल दायरे में हासिल करने की कोशिश करे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल एक शख्स अपनी हलाल रोजी के जरिए और बल्कि ज्यादा भी हासिल करने की कोशिश करता है तो भी इसमें कोई गलत चीज नहीं है। जी नामुल भाई, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ टिप्स जरूर मिले होंगे, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह।